हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा 3D पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ शर्ट में, गर्ल्स टॉप में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं। ये देखिए, आज हम आपको ये सेंटर का पैटर्न इसका बनाना बताएंगे। अगर आप साइड का पैटर्न इसका सीखना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके लिए इसकी भी वीडियो लेकर आएंगे। तो देखिए, फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 4 के मल्टीपल से होंगे, और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 8 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 4 के मल्टीपल से 16 फंदे लिए हैं। आपने अपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को डालना है तो आप 4 के मल्टीपल से इसके फंदे लेंगे। और नीचे से मैंने ये दो उल्टे दो सीधे फंदों का बॉर्डर बनाया है। तो चलिए देखते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है और राइट साइड है। एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए, ये जो दो फंदे सीधे हैं इसको हम राइट टू लेफ्ट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से एक फंदा आगे लाएंगे और फ्रंट लूप से एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2। ये देखिए, यही 4 फंदों का पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए और दो फंदों की राइट टू लेफ्ट केबल बनाई है, और ये हमारा 4 फंदों का पैटर्न है। काउंट करेंगे, 1 2 3 4। फिर से देखिए, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट कर लेंगे और सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुन देंगे। धागा आगे, लास्ट में दो फंदे उल्टे, ऐसे सीधा बनाएंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो है रॉन्ग साइड। इस रो में देखिए, जो फंदे जैसे दिखाई देंगे हर बार वैसे ही बनाएंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और स्टिच उल्टा। रॉ थर्ड राइट साइड। अब देखिए, स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे हैं, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब एक उल्टा फंदा एक सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे दो बार धागा लपेट कर दो जारी डालेंगे। ये देखिए, फिर से धागा हमारा पीछे है, ऐसे 1 2, दो बार धागा लपेट कर दो जारी डालेंगे, एक सीधा एक उल्टा फंदा टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर साइड में हमारे दो फंदे डिक्रीज हो गए हैं और सेंटर में हमने दो जारी डालकर इसके दो फंदे इंक्रीज कर दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर दो जारी डाली और दो फंदों का एक फंदा बनाया। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो बार जारी डालेंगे और टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो बार जारी डालेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा बना लेंगे,
एस्ट्री सीधा बनाएंगे। थर्ड रॉ कंप्लीट हो गई है, फोर्थ रॉ है रॉन्ग साइड। एस्ट्रिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा है सीधा बुनेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब दो जाली हमने जो बनाई थी उसको हम सीधा बनाएंगे। देखिए एक बार ऐसे इसको सिंपली सीधा बुन लेंगे। अभी सेकंड जाली हम नहीं उतारेंगे, इसको हम देखिए ये वाला धागा अंदर की साइड का धागा लेंगे और इसको ऐसे करके इसको भी सीधा बना लेंगे। ये देखिए दो फंदे यहाँ पर हमारे सीधे आएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे हैं उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से जाली वाले दो फंदे, एक बार सीधा बुना, फिर अंदर की साइड से ये वाला देखिए ये वाला धागा लेंगे और इसको लूज़ करेंगे थोड़ा सा, फिर ऐसे करके इसको सीधा बुन लेंगे। धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर से सीधा फंदा और अंदर की साइड का एक सीधा फंदा बनाएंगे। धागा आगे, लास्ट का एक फंदा उल्टा ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए फोर्थ रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये वाले जो दो सीधे फंदे हैं अब इसकी हम केबल बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे, दो उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब दो फंदे सीधे हैं, इसको फिर से राइट टू लेफ्ट इसी तरफ को केबल डालेंगे। हर बार हमने इसी तरफ को इसकी राइट टू लेफ्ट ही केबल बनानी है और दोनों को सीधा बुन लेंगे। धागा आगे, फिर से दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुन लेंगे। धागा आगे, दो उल्टे फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एस्टिच सीधा। रॉ फाइव कंप्लीट हो गई है, रॉ सिक्स रॉन्ग साइड। एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, अब दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे। दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, लास्ट में एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एस्टिच उल्टा। रो सेवन राइट साइड। अब देखिए एस्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा है उल्टा बनाएंगे, अब सीधा फंदा इसको भी उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब दो हमारे पास उल्टे फंदे हैं, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब धागा पीछे ही रखेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो बार धागा घुमाकर जाली डालेंगे और एक सीधा एक उल्टा फंदा टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो बार जाली डालेंगे, टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। देखिए धागे को पीछे ही रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे बना लेंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे। रो सेवन कंप्लीट हो गई है, रो एट रॉन्ग साइड। इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे, एक फंदा सीधा, सॉरी दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर जाली वाले फंदे हैं, दोनों सीधे बुनेंगे, एक बार सिंपली सीधा, एक बार अंदर की साइड से ऐसे लूज करेंगे और सीधा बुनेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे जाली वाले, ये देखिए अंदर की साइड से थोड़ा सा लूज करके इसको ऐसे सीधा बना लेंगे, दो फंदे उल्टे, लास्ट में दो फंदे सीधे,
स्टिच उल्टा। ये देखिए 8th रो कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे हैं, उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे हैं, इसको ट्विस्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट और सीधा बुन लेंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे ट्विस्ट करेंगे और सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे, दो फंदे उल्टे, ट्विस्ट करेंगे और सीधा बना लेंगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ऐसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रो से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार हम इसकी 1, 2, 8 और रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में डाल सकते हैं। ये देखिए बनकर बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।